नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में जो टॉपिक है हमारा, ओला S1 Pro में मूव OS 3.0 का जो अपडेट आया है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। इस अपडेट का मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था। ये जो अपडेट है अभी बीटा वर्जन में आया है। बहुत लोगों को ये अपडेट जो है मिल चुका है और कुछ लोगों को नहीं मिला है। आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल रिव्यू करेंगे, इस जो भी फीचर्स नए ऐड हुए हैं इसके इसमें MOVOS 3 में, और क्या क्या हमारे लिए यूजफुल है और बेकार का फीचर है, ये सारा कुछ हम लोग आज के वीडियो में डिटेल रिव्यू करेंगे। इस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए, और आपको लाइफ टाइम फ्री में इस तरह की वीडियो देखने को मिलेगी। वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। आपको चेक करना है अपने ओला के स्क्रीन पे, सिस्टम अपडेट में जाकर आप चेक कर लीजिए कि आपको MOVOS 3.0 का डाउनलोड ऑप्शन आया है कि नहीं आया है। अगर डाउनलोड ऑप्शन आया है तो डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर लें। यह अप्रॉक्सली 940 MB का है। इसको डाउनलोड करने में अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में जियो का नेटवर्क कैसा है, कैसा स्पीड है डाउनलोडिंग स्पीड। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो ये 2 से 3 मिनट में हो जाएगा, ना तो अप्रॉक्स इससे 2-4 मिनट ज़्यादा भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपके एरिया का नेटवर्क कैसा है। तो सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद इसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे ही डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपका जो ओला का सिस्टम है वो रीस्टार्ट हो जाता है, और वहाँ जाने के बाद आपको फिर से वहाँ इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से इंस्टॉल कर देंगे। जैसे ही इंस्टॉल नाउ करेंगे उसके बाद वेरीफाइंग पैकेज आ जाएगा, अपडेट एक्सपीरियंस करके ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। ये जो प्रोसेस है सेवरल टाइम आपका सिस्टम जो है रीस्टार्ट होगा, और जैसे ही सब कुछ हो जाने के बाद फिर वापस ओला का स्क्रीन जो है ऑन हो जाएगा और आपसे इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल का एक मैसेज आएगा, और उसके बाद आपसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा जिसमें आपको पासवर्ड डालना होगा अपना ओला स्कूटर का। और जैसे ही पासवर्ड आप डालेंगे आपका जो सिस्टम है वो स्टार्ट होगा, और उसके बाद आपका MOVOS 3.0 को का जो इनिशियल सेटअप है उसमें क्या क्या चीज़ है वो उसके बारे में डिटेल बताएगा। वैसे ही आपकी स्कूटर जो है स्टार्ट हो जाता है तो हम सबसे पहले ब्लूटूथ को इनेबल कर देंगे, जिससे हमारा डिवाइस जो है कनेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें एक नया फीचर आया है वाईफाई का, जिसको हम लोग इनेबल कर सकते हैं और वाईफाई से कनेक्ट करके हम सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो फीचर आता है वो है, हम लोग इसका चेक करेंगे साउंड को। इस वॉल्यूम साउंड जो है वो तो पहले जैसा ही है, मगर इसमें एक नया फीचर जो ऐड हुआ है वो मोड साउंड है। और मूड साउंड जो है वो आपको आगे उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, अभी हम लोग आगे दिखाते हैं। अभी एक हजार्ड लाइट के लिए एक सेफ्टी लाइट के नाम से ये फीचर आया है, जिसमें हम चारों इंडिकेटर को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद जो फीचर आता है वो है हमारा रीजनरेशन। इसमें 3 मोड आते हैं, लो, डिफ़ॉल्ट और हाई। हाई में हमें ज़्यादा रीजनरेशन मिलेगा, डिफ़ॉल्ट जो है वो एक एवरेज है, और लो में जो है हमें कम मिलेगा। उसके बाद आता है बैटरी वेकेशन मोड आता है। इस मोड में हम 200 दिन तक अपने बैटरी को पावर बैकअप के साथ में रख सकते हैं, और हमारा जो बैटरी है 200 दिन तक वेकेशन मोड में हम लोग कर देते हैं तो सारा फीचर्स जो है हमारा ऑफ हो जाता है और वो बैटरी बैकअप उसी तरह से बना हुआ रह जाता है। डिस्प्ले सेटिंग आता है, उसके बाद साउंड, लाइट, राइडिंग, और इसमें हेडलाइट का एक ऑप्शन आता है स्मार्ट हेडलैम्प, जिसमें ऑटोमेटिक हम ऑन कर देते हैं तो जैसे ही सन सेट होता है वो ऑटोमेटिक दोनों अप एंड डाउन दोनों लाइट ऑन हो जाता है। एक हेलो लाइट है जो ऑटोमेटिकली जैसे स्कूटर स्टार्ट करेंगे उसे ऑन कर देते हैं तो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है जो फीचर्स है वो है, हम लोग डिस्कस करेंगे मूड्स का, जो मूड्स जिसका लोग बहुत इंतज़ार कर।
इसमें तीन प्रोफाइल हैं, पहला प्रोफाइल जो है वो विंटेज है, दूसरा वोल्ट है और तीसरा जो लास्ट प्रोफाइल है वो हमारा इक्लिप्स है। ये तीनों आर्टिफिशियल एग्जॉस्ट साउंड है जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल और डिफरेंट डिफरेंट थीम के साथ में आते हैं और इसके साउंड जो है आगे आप सुनिए। ये जो एग्जॉस्ट साउंड है ये बोल्ट की है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोफाइल में शिफ्ट करेंगे। ये जो नेक्स्ट थीम है ये है इक्लिप्स। ये जो प्रोफाइल है हम चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग प्रेस करके स्क्रीन पर रखेंगे तो ये प्रोफाइल आ जाएगा और वहां से भी हम चेंज कर सकते हैं या फिर सेटिंग में जाकर चेंज कर सकते हैं। लास्ट और मेरा फेवरेट ये जो है विंटेज, इसका जो साउंड है वो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है बाकी दोनों प्रोफाइल के कंपेयर में, ये ज़्यादा अच्छा साउंड है इसका। ये सारे थीम के आप जो मोड है वो चेंज कर सकते हैं, डे नाइट मोड जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं और ये ऑटो मोड में डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली ये शाम होने के बाद वो मोड डार्क मोड में चला जाएगा और सुबह के टाइम में ये लाइट मोड में रहेगा। MoveOS 3.0 का जो सबसे कूल फीचर्स है वो है पार्टी मोड। ये जैसे ही आप म्यूजिक सिस्टम इसमें ऑन करेंगे, अपने ब्लूटूथ से अपने सिस्टम को कनेक्ट करेंगे तो ये म्यूजिक के साथ में इसके दोनों हेडलाइट, DRL और इंडिकेटर सब म्यूजिक के वेव के हिसाब से वो अप एंड डाउन और ब्लिंक करता रहेगा, जिससे आप बहुत ही ये यूनिक फीचर है और बहुत ही अच्छा लगता है जब ये म्यूजिक के साथ में इस तरह से परफॉर्म करता है। पार्टी मोड को ऑफ करने के लिए जो आपका म्यूजिक प्लेयर है उसके ऊपर में ही एक ऑप्शन आता है एंड पार्टी, तो वहाँ पर जब क्लिक कर देंगे तो वो आपका ऑप्शन बंद हो जाएगा। आप इनकमिंग कॉल के नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं यहाँ पर से, जिससे आपका जो कॉल आएगा वो आप वहाँ पर रिसीव कर सकते हैं, मगर आपकी आवाज़ उन बार वालों के पास नहीं जाएगी क्योंकि माइक्रोफोन अभी एनेबल नहीं हुआ है। स्कूटर के प्रॉक्सी सेंसर जो फंक्शन है उसको एनेबल करने के लिए सबसे पहले हमें उसे एक बार कैलिब्रेशन करना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले स्कूटर के फ्रंट में हम अपना जैसा वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसके पास खड़े हो जाएंगे 1 मीटर के रेंज में, फिर उसके साइड वाला प्रोफाइल में करके नेक्स्ट करेंगे, फिर बैक में जाकर फिर उसे नेक्स्ट करेंगे, फिर उसके साइड वाला लेफ्ट साइड वाले जो पोर्शन है उसे जाकर वहाँ जाकर नेक्स्ट करेंगे और फ्रंट में आ जाएंगे और हमारा जो कैलिब्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमारा कैलिब्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो हम इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर का टेस्ट करेंगे। जैसे ही देखिए हम स्कूटर के पास जा रहे हैं ऑटोमेटिकली स्कूटर ऑन हो जा रहा है। इसमें दो ऑप्शन आते हैं प्रॉक्सिमिटी अनलॉक का, एक तो है जो साइलेंट होता है और दूसरा जो होता है साउंड के साथ में होता है। साइलेंट इसलिए होता है, ये सेफ्टी पर्पज से है कि आप उसके पास ना वो स्क्रीन ऑन नहीं होगा जब तक वो रेड वाला बटन नहीं दबाएंगे। इसके बाद आता है प्रोफाइल स्कूटर एक्सेस, किसको हमें देना है वो एक फंक्शन नया ऐड हुआ है MoveOS 3.0 में। इसमें हम अपने कॉन्टेक्ट से भी उसे ऐड कर सकते हैं या फिर मैन्युअली हम उसके नाम और मोबाइल नंबर डाल के कर सकते हैं, जिससे उनके मोबाइल पर एक लिंक चला जाएगा ऐप डाउनलोड करने का और ऐप डाउनलोड करने के बाद वो एक्सेस कर सकता है स्कूटर को। लास्ट फीचर ये OS का, इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, ये बहुत ही ईजी है, ये ऐप के थ्रू अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में जाकर, वहाँ से आप फ़ोटो खींच के या फिर अपने गैलरी से फ़ोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से अपलोड करेंगे और फिर जाकर अपने ओला के स्क्रीन में देखेंगे तो वही डॉक्यूमेंट्स वहाँ दिख जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।